हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो भाई थंबनेल आपने देख लिया, ठीक है। न्यू फाउंडेशन बैच फॉर इंग्लिश, और ये किसके लिए है? एसएससी 2024 में जितने भी एग्जाम्स कराने वाला है उन सारे एग्जाम्स के लिए है ये, ठीक है। हमने टारगेट एसएससी के एग्जाम्स को किया है 2024 में होने वाले, लेकिन इसके अलावा बैंकिंग का एग्जाम हो, सीडीएस का, एनडीए का, जितना भी एग्जाम हो, ये सब के लिए यूजफुल है बैच, ठीक है। बहुत समय से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि सर नया बैच कब आएगा कब आएगा, तो नया बैच आ चुका है। बैच कब से स्टार्ट होगा, बैच में क्या क्या होगा, क्या क्या खासियत है बैच की, आप कैसे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है आगे मैंने वीडियो में बताई हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देख लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं बैच की। तो ये मेरा बैच है, इससे पहले जो मेरा बैच था आगाज बैच था, बहुत सारे बच्चे उस बैच को जानते हैं, बहुत सारे बच्चे उस बैच से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। ये मेरा न्यू बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल बैच है ये, यह आपको मिलेगा मेरे एप्लीकेशन इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, यानी कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आरंभ बैच पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो वेबसाइट चलाते हैं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप में देखना चाहते हैं क्लास को, तो वेबसाइट पर भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। इंग्लिश बाय रोशन सर वेबसाइट आप डायरेक्ट डालेंगे तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पे इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बैच है आरंभ बैच के नाम से, फॉर एसएससी एग्जाम्स 2024 को हमने टारगेट किया है, ठीक है। बैच जो स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा मैं आपको डेट बता देता हूँ। बैच जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 13 अप्रैल से, ठीक है। 13 अप्रैल को आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है 6 अप्रैल से स्टार्ट होना था। देखिए कल असल में वीडियो जो है कल जानी थी, लेकिन कल किसी वजह से नहीं जा पाई थी, तो आज यानी कि 7 अप्रैल को ये वीडियो जा रही है। तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं जाके, बैच को आप ले सकते हैं जाके, ठीक है। बैच स्टार्ट होगा 13 अप्रैल से, और इसमें जो फीचर्स हैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं भी आपको एक्सप्लेन्ड मेथड में भी समझाऊंगा। कंप्लीट ग्रामर रहने वाला है इसके अंदर विद प्रैक्टिस शीट, वोकैबुलरी रहने वाला है कंप्लीट विद स्मार्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस शीट्स इसके अंदर भी आपको मिलेगा। क्लास के जो नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स यानी कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो जो नोट्स होते हैं वो भी आपको क्लास के बाद एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको कराने वाला हूँ विद स्मार्ट अप्रोच, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाया जाएगा, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपका कुछ भी डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप उस ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। बैच का जो प्राइस है वो भाई 1101 है, ठीक है। बैच का जो प्राइस है वो कितना है, 1101 में जो बैच है अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप फटाफट से जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए, लेकिन उससे पहले फीचर्स को देख लीजिए कि बैच में क्या क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बैच किसको टारगेट करके बनाया गया। तो एसएससी एग्जाम्स 2024 को टारगेट करके बैच जो है बनाया गया है, ऑल्सो यूजफुल फॉर, और किसके लिए यूजफुल है, सीडीएस के एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए, बैंकिंग के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, हर एग्जाम के लिए ये क्या है, यूजफुल है। और इस बैच को लेने के बाद, कंप्लीट कोर्स करने के बाद, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैब कंप्लीट करने के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस की जो पीपीटीज हैं या कह सकते हो जो पीडीएफ्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एप्लीकेशन पर ही, ठीक है। इस बैच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 6 अप्रैल से, ठीक है। यानी कि वीडियो ये 7 अप्रैल को अपलोड हो रही है, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बैच आपका स्टार्ट कब से है, 13 अप्रैल से, ठीक है। वैलिडिटी बैच की कितनी है, बहुत लोग पूछते हैं 1 साल। देखो ये वैलिडिटी 1 साल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है दोस्त, ध्यान से देखना, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको सिलेक्शन दिला के चैन से बैठूंगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, ये कोई रिजिड नहीं है कि 1 साल हो गया, जैसे ही आपका 1 साल हुआ वैसे ही आपका बैच बंद हो जाएगा, फिर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं मैं तब तक आपके साथ रहूंगा, तब तक वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वो बना ही रहेगा। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, आप मुझसे कभी भी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, तो कोई यहाँ पर रिजिडिटी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट कई सारे बच्चों ने आगाज बैच में, कुछ बच्चे थे जिनका सीरियस प्रॉब्लम था कि उन्होंने बैच ले लिया लेकिन 2-3 महीने 4 महीने नहीं पढ़ पाए, ऐसा बहुत बार होता है। और फिर वो बच्चे 3-4 महीने बाद आए, बोले सर अब तो हम 3 महीने का हमारा लॉस हो गया, सर प्लीज़ हमारी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। तो उनको मैंने यही कहा कि पहले आप अपना जो बचा हुआ टाइम है, जो बची हुई वैलिडिटी है, उसमें आप उस बैच को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर नहीं होता है तो फिर ऑटोमेटिकली मैं आपकी वैलिडिटी बढ़ा दूंगा। ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है कि 1 साल हो गया तो वैलिडिटी खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ भाई हमेशा हूँ, एक बड़े भाई की तरह, आपके मेंटोर की तरह, ठीक है। क्लास जो होगी वो लाइव होगी प्लस वीओडी। इसका क्या मतलब है कि क्लास डेली लाइव होगी, लेकिन अगर किसी वजह से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं
किसी काम में फंसे हैं या कुछ और बात है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी क्लास की जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जैसे लाइव क्लास खत्म होने के ना आधे से एक घंटे बाद उस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाती है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास कितने बजे होगी? लाइव क्लास आपकी होगी सुबह 9 बजे डेली। लाइव क्लास जो है डेली सुबह 9 बजे आपकी होगी, तो 9 बजे आप रेडी रहना कॉपी पेन लेकर लाइव क्लास के लिए। कोशिश पूरी करना लाइव क्लास लेने की। अगर किसी सीरियस इशू की वजह से आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसी का रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लास है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, कोर्स विल बी कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, कोर्स विल बी कंप्लीटेड, कब तक कंप्लीट हो जाएगा बच्चे पूछते हैं, बिफोर द प्री ऑफ एसएससी सीजल 2024। एसएससी सीजल 2024 का जो प्री आपका होगा उससे पहले मैं ये कोर्स आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि कोर्स जो है वो फास्ट मोड में चलेगा, लेकिन फास्ट का ये मतलब मत समझना कि सर जल्दी जल्दी करा देंगे तो सर मतलब कुछ चीज़ें मिस कर देंगे या कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कोर्स आपका कंप्लीट होगा, मैं बिल्कुल जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाकर चलूंगा, और ट्रस्ट में ये बैच जो है ना मेरा बेस्ट है। बेस्ट का मतलब बेस्ट है, आप इस बैच को लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मैं बात क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, कोर्स को हम लोग 6 महीने के अंदर, 5.5-6 महीने के अंदर हम लोग कोर्स को खत्म कर लेंगे। हमारे पास प्री के लिए 5.5-6 महीने हैं, हम लोग खत्म कर लेंगे। आराम से एक एक चीज़ को समझाते हुए खत्म करूंगा, डोंट वरी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक चीज़ को समझाते हुए, जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखकर ही स्पेशली बैच बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, फटाफट से एक नज़र मार लेते हैं। देखो, कंप्लीट ग्रामर कराने वाला हूँ विद क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स। ग्रामर कराऊंगा जिसमें आपको क्लास नोट्स भी दूंगा मैं क्लास के बाद, और साथ में आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। कंप्लीट वोकैब कराऊंगा जिसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स विद ट्रिक्स कराऊंगा, सारी चीज़ें ये विद क्लास नोट्स, और साथ में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराजंबल होगा, क्लोज टेस्ट होगा, मतलब ये सब कुछ होगा, ये आपको कराऊंगा विद स्मार्ट अप्रोच एंड मैथड्स, क्योंकि इनमें अप्रोच बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में अगर आप पैरा जंबल को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता उसको अटेम्प्ट करने के लिए, कम समय में आपको उसको सॉल्व करना होता है क्योंकि टाइम कम होता है आपके पास, तो स्मार्ट अप्रोचेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस भी कराऊंगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, इसके अलावा मैं आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन एरर्स, जैसे कॉमन एरर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ब्लैंक्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वोकैब्स के, कॉम्प्रिहेंशन के, इन सब के मैं आपको जो मिसलेनियस प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से क्या हो सके, प्रिपेयर्ड हो सके, और एग्जाम को फोड़कर आप इस साल सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा डाउट्स के लिए, मैंने आपको बताया, और डेली टारगेट्स के लिए इसमें डेली का आपको कॉम्प्रिहेंशन भेजूंगा मैं, जो डेली आपको रीड करना है, समझना है, और वहां से आपको वोकैबुलरी को नोट करते हुए चलना है। यहां पर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे आप ग्रुप में ऐड होंगे ना तो ऑटोमेटिकली मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मैं खुद इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना मैंने किसी को बिठा रखा है जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको गाइडेंस दे या आपको टारगेट दे, मैं खुद देता हूँ। और आपको पता है अगर मैं खुद टारगेट दूंगा, मैं खुद डिस्कस करूंगा, तो उसका ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आपके लाइफ पे पड़ेगा और आपकी तैयारी पे पड़ेगा। ठीक है, इंटरेक्शन होगा हर एक बच्चे के साथ में मेरा, जो बच्चे भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर बच्चे के साथ में मेरा इंटरेक्शन हो सके, हर बच्चे से मेरी बातचीत हो सके। वीकली हम लोग जूम सेशन भी किया करेंगे ताकि मैं हर एक बच्चे से उसके डाउट ले सकूँ और हम लोग बात कर सके लाइव। पर्सनल गाइडेंस रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका डाउट है, मॉक्स रिलेटेड डाउट है या किसी से भी रिलेटेड डाउट है, वो डाउट भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वन ऑन वन आपको क्या करूँगा, गाइड करूँगा। फ्रीक्वेंट जूम सेशंस होंगे हमारे टू डिस्कस, हम लोग जूम सेशंस क्या करेंगे, लाइव सेशंस। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे हम उसमें, एग्जाम के पैटर्न को लेकर डिस्कशन किया करेंगे, हाउ टू मैनेज टाइम, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है अपना, व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल पढ़ाई को लेकर क्या होना चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन कि आपके प्रिपरेशन का भी क्या लेवल है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपको कितने इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये सारी बातें भी मैं आपको जूम सेशन में बताऊंगा। यानी कि पढ़ाई के अलावा ये टोटल चीज़ें जो हैं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, भटकना नहीं पड़ेगा। और देखो, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती भाई, हिंदी मीडियम से हो भाई, स्वागत है आपका बैच में। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आप हिंदी मीडियम से, आपको डर लगा रहता है कि सर कैसे सीख पाएंगे हम, तो आपका बैच में स्वागत है। एक काम करना, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं आगाज़ बैच के अंदर, यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको जाके पता लग जाएगा कि मेरी पढ़ाने की लैंग्वेज क्या रहती है, मेरे समझाने का तरीका क्या रहता है। एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो है, शून्य है बिल्कुल, हिंदी मीडियम से है, क्योंकि आपको पता हो नहीं पता तो मैं बता दूँ, मेरी पहली क्लास से लेकर पूरी जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है पूरी मेरी हिंदी मीडियम से हुई है,
पूरी हिंदी मीडियम, वो भी सरकारी स्कूल कॉलेजेस से। और कॉलेज तो मैं कभी गया ही नहीं, जो उसको बोलते हैं ना कि आप DU से जो होता है ओपन से, तो मैंने ओपन से ही किया है, ठीक है। तो और हिंदी मीडियम से मैं स्कूल में सारी मैंने पढ़ाई की है पहली से लेकर 12वीं तक अपनी, तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की क्या तकलीफ होती है, क्या दुख होता है उसे, और कितना कष्ट उसे इंग्लिश को लेकर आता है। तो इसलिए मेरे समझाने का तरीका आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी बच्चा जो जीरो भी है ना, माइनस में भी है, उसको भी मैं इंप्रूव करवा दूंगा। बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और जो जो मैं बताऊंगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ट्रस्ट में इंग्लिश आप सीख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। रटवाने से फायदा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि रटी हुई चीजें आप जल्दी भूल जाओगे। मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि ओवरऑल एक लैंग्वेज ही तो है। लैंग्वेज को सीखना आसान हो जाता है अगर आप उसके मेथड्स को सीखते हो। अगर आप रट्टा लगाते हो तो आपको दिक्कत आती है, तरीके से अगर आप उसको सीखते हो तो एक बार अगर आप सीख गए तो कभी भूलोगे नहीं। हिंदी भाषा हम लोग को आती है, क्या हम इसको भूलते हैं? क्या हम किसी से बात करने से पहले हिचकिचाते? नहीं हिचकिचाते, क्योंकि हमें आता है। ऐसी इंग्लिश को अगर आप रटोगे तो आपको दिक्कत आएगी, अगर आप सीख जाओगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ओवरऑल जो है मेरे बैच के बारे में है, आरंभ बैच के बारे में, ठीक है। बैच का नाम है आरंभ, ये सच में एक आरंभ है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आगाज का मतलब भी शुरुआत था, आरंभ का मतलब भी शुरुआत है। हम लोग आरंभ कर रहे हैं, एक अच्छी चीज की आरंभ कर रहे हैं। और ट्रस्ट में आरंभ अच्छा है, अंत भी अच्छा होगा। आपके साथ में खड़ा रहूंगा, आपको सिलेक्शन दिलवा के ही जाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज एप्लीकेशन, आपको मैंने बताया इंग्लिश बार रोशन सर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेंशन मत लो इतनी, सीधा लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और मैंने बता दिया लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट कुछ बच्चे क्लास लेते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। ये देखो ऐप का लोगो है, ये आपको दिख जाएगा। तो इंग्लिश बार रोशन सर आपको डालना है गूगल पे जाके, इंग्लिश बार रोशन सर आप लिख देना, या फिर डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाके आप क्लिक करना, तो डायरेक्ट आप जो है वेबसाइट पे चले जाओगे। वहां से जाके भी आप कोर्स को ले सकते हो, वहां पे जाके आपको आरंभ बैच का पोस्टर आपको दिख जाएगा। किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए या कोई डाउट आपका बच गया इस बैच से रिलेटेड, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8447413978, ठीक है, 8447413978 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना, केवल आपको व्हाट्सएप करना है। जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कई बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें तो डेमो चाहिए, तो डेमो के लिए आप क्या करो ना, डेमो के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब ओपन करो, यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करना, आपको सिर्फ टाइप करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कंप्लीट पैरा जंबल बाय रोशन सर, बस ये सर्च कर लो, कंप्लीट पैरा जंबल बाय रोशन सर आप सर्च कर लो, ठीक है। वहां पर जो सबसे ऊपर वीडियो आएगी, 3 घंटे की वीडियो है, मैंने पैरा जंबल पढ़ाया हुआ यूट्यूब के ऊपर, 3 घंटे की वीडियो है, आप वो जाके पढ़ लेना। उस वीडियो को देखने के बाद में आना और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको, कैसा पढ़ा आपने। अगर आपको लगता है उस वीडियो को देखकर कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप बैच को लेना, वरना मत लेना, मेरे कहने से मत लेना। अगर आपको लगे, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो वैसे भी बैच को ले सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि सर पहले डेमो देख लें, तो जाओ यूट्यूब पर सर्च करो ये जो मैंने बताया, ठीक है। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, चैनल पे मेरे जा सकते हो, यूट्यूब पे इंग्लिश बार रोशन मेरा चैनल है, यहाँ पे जाके आपको सबसे ऊपर जो वीडियो दिखेगी वो यही दिखेगी, पैरा जंबल की कंप्लीट क्लास है 3 घंटे की। तो आप वहाँ से जाके स्टार्टिंग की अगर आप 40 मिनट की भी क्लास देख लोगे ना, 40-45 मिनट की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का लेवल क्या है, समझाने का लेवल क्या है। या फिर एक काम करना, सिंपली जाके ना कॉमेंट्स पढ़ लेना, कुछ मत करना, उस क्लास के नीचे के जाके कॉमेंट्स पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं आपसे सीधा क्लास में मिलूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने बताया एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे चले जाइए। किसी तरह की इंक्वायरी करनी है तो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी इंक्वायरी को जो है पूछ सकते हैं। कोर्स का जो फी मैंने आपको बताया वो 1100 रुपये है, ठीक है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, 1100 रुपये, 1101, क्योंकि यूजली जो मेरे कोर्स का फी रहता है वो कितना रहता है, 1501 रहता है, तो लिमिटेड टाइम के लिए है। आप अभी जाओगे तो आपको 1101 में जो है बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और सीरियस होकर आप पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट और जय हिंद।